थाना रामपुर मनिहारन के एसएसआई कपिल देव अपनी पुलिस टीम के साथ कल रात लगभग 8 बजे ग्राम मलहीपुर रोड पर चेकिंग पर थे। ये अचानक चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम मलहीपुर के मोहल्ला कुरेशियान निवासी खुशनुद के यहाँ गौकशी का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा है। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए खुशनुद के यहाँ जब छापेमारी की तो वहां का नजारा देखते ही पुलिस टीम के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस टीम ने मौके से 4 बदमाशों खुशनुद पुत्र खुर्शीद, शमशेर पुत्र खुर्शीद, आशु पुत्र ताहिर तीनों ही निवासी मोहल्ला कुशेरियान तथा साजिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चुनहेटी गाड़ा को 15 किलो गौमांस के उपकरण, एक प्लास्टिक के बोरे में कुल्हाड़ी, 2 छुरी, एक लकड़ी का टुकड़ा, 2 प्लास्टिक की बोरी एवं रस्सी मिली तथा एक बाइक, एक देसी तमंचा तथा कारतूस बरामद किए। इन गौकशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएसआई कपिल देव, सब इंस्पेक्टर विकास चारण, महेश गुप्ता, कांस्टेबल दुर्गेश, अंकित एवं पवन शामिल रहे, जिसका खुलासा आज एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह द्वारा पत्रकारों को दी गई। थाना रामपुर के फतेहपुर गुर्जर में कल एक खेत में एक रजवाहा है, वहाँ पे कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे और वहाँ पे गोकशी की गई थी। इस संबंध में टीमें बनाई गई और तत्काल इसका पर्दाफाश किया गया और इसमें जो भी शामिल थे, 4 जिन्होंने ये घटना की थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी तत्परता से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि और इसमें कौन कौन शामिल रहता है, क्योंकि एक दो घटनाएँ पहले भी हुई है, उनका भी हम पता कर रहे हैं। एक विशेष ड्राइव चला रहे हैं गोकशों के विरुद्ध, जो पुराने 10 साल के इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं, उनकी भी हम वर्तमान स्थिति का सत्यापन कर रहे हैं कि वो इस तरह का अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लगातार ये हमारा अभियान चल रहा है और पूर्ण रूप से अंकुश हम इसमें जो गोकशी है उसमें स्थापित करेंगे। चार अपराधी जो पकड़े गए, पूर्व में भी ये लिप्त रहे हैं इस तरह के अपराधों में, और ये रामपुर के मल्लीपुर और चुनहटी के रहने वाले हैं। और कल की घटना भी इन्होंने अपना बताया है, इन्होंने की थी और उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।